आज संबल आया है और संबल आते हुए सभी हमारा RAF और RRF और हम SP और DM संबल के साथ हम लोगों ने फ्लैग मार्च कराया पूरी इलाका का एक बार पूरी के एक और आज के दिन में क्या स्थिति है उसके बारे में एक फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने पैदल गश्त करते हुए देखा। पूरी जनपद संबल शांत है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी ऐसे प्रिकॉशनरी मेशर हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे कई कंपनी PSC और RAF और RRF डिप्लॉय करके रखा है। इसके अलावा बैरिकेडिंग ड्यूटी भी लगी है और रूफटॉप ड्यूटी भी कल लगेगी और कल सुबह का हम लोग ड्रोन के माध्यम से छतों पर निगरानी भी करेंगे और साथ साथ सिविल पुलिस मंडल का सिविल पुलिस भी यहाँ पे कल एक्स्ट्रा डिप्लॉय करेंगे, वो लगातार हम मॉनिटरिंग करते रहेंगे। इसके लिए पूरी मंडल पर भी हमारा बाकी जनपद में मुरादाबाद बिजनौर रामपुर और हमरोहा में भी सेक्टर स्कीम लागू हुए कल का मद्देनजर रखते हुए और सभी जगह पूरी मंडल में भी शांति से निकलेगी। त्रिनेत्र स्कीम के तहत सर सर्विलांस किया जा रहा है जिसमें फेस आइडेंटिफिकेशन सिस्टम सारा कुछ है? हाँ, उसको ऑलरेडी यहाँ पे जो पूरी मंडल में तो ऑलरेडी हमने कई हज़ार CCTV कैमरा लगी है और अभी ये संबल में जो कुछ घटना होने के बाद कुछ CCTV कैमरा टूट गया था उसके वजह का नया कैमरा भी अभी हमने लगा दिया और इसके माध्यम से लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में कई CCTV कैमरा का लिंक है, उसके माध्यम से लोग का आना जाना वाले जो भी लोग हैं उनके निगरानी कर रहे हैं हम लोग। एक लास्ट सवाल है सर, आज दोपहर को आप लोगों ने पीस कमेटी की बैठक ली थी, लगभग 100 लोग उसमें शामिल हुए थे, अलग अलग धर्मों के जो गुरु हैं, क्या कुछ तक बैठक में रहा आज? और SP और DM ने जो पीस कमेटी मीटिंग है नया गठन किया, जो पुराना लोग निष्क्रिय लोग हैं उनके निकाल के जो सक्रिय लोग हैं उनके बुलाया, उन्हें पूरी यहाँ पे संबल स्तर पर लोग सभी का दोनों धर्म का लोग का सभी समूह का वर्ग का लोग को बुलाया, उन्होंने बुला के उनसे बातचीत किया, उनके कॉन्फिडेंस लिया और साथ साथ उन लोग के लिए अपील भी कराया, लोग से जाके मिल देंगे और जो नया पीढ़ी है उनके समझाएंगे, शांति से यहाँ पे अमन चैन बने रहेंगे, इसके लिए उन्होंने मीटिंग कराया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।